अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने इम्तहान की भरपूर तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट, ये लेक्चर उन लोगों के लिए है जिन्होंने CSS में पंजाबी ऑप्ट की और बाज़ लोगों को पंजाबी जो है वो अच्छे तरीके से नहीं पढ़ना आती। तो ये वीडियो सुनने के बाद उनको मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मसला नहीं होगा। चले फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पंजाबी अदब की कहानी, अब्दुल गफूर कुरैशी। अब्दुल गफूर कुरैशी 1928 में पटियाला विच अब्दुल रब मीर दे घर पैदा हुए। आपने मिडली तलीम अपने शहर तो ही हासिल की थी। 1943 में रॉयल इंडिया एयरफोर्स विच भर्ती हो गए। पाकिस्तान बनन मगरों पाकिस्तान एयरफोर्स विच आ गए। 1968 में रिटायर हुए। पंजाबी जबान दे अदबी रसालियां विच लिखते रहे। आप पंजाबी अदब दे तस्करा निगारा ते आप दियां तस्करा तो पता लगता है भई आप मंजे हुए महकीक ते नकाद सन। आप दियां दो किताबा पंजाबी जुबान और अदब ते तारीख ते पंजाबी अदब दी कहानी ने। पंजाबी अदब दी कहानी दा जायजा। पंजाबी अदब की कहानी अब्दुल गफूर कुरैशी हुरा की दूजी किताब है जिड़ी असल विच उन्हां दी पहली किताब पंजाबी जुबान अदब की तारीख की नवी सूरत ते पेशकश है। ये किताब 1972 नूं पहली बार शाया हुई ते फिर पाकिस्तान पंजाबी अदबी बोर्ड ने 1987 नूं दूजी बारी छपवाई। किताब दे कुल 646 सफात ने। पहले 186 सफात विच पंजाबी जुबानों अदब की तारीख का मुख्तसर वेरवा पेश किया गया है। फिर सफ़ा नंबर 187 तो लैके 640 तकर पंजाबी जुबानों अदब के 347 लिखारियों का जिक्र पेश किया गया है। तो सफ़ा नंबर 141 तो 646 तकर किताबियात का अंदराज है। किताब का पेश लफज इकबाल सलाहुद्दीन हुरां लिखिया है। पंजाबी अदब की कहानी तारीख या तस्करा। पंजाबी अदब की कहानी किताब की जखामत तो मद्देनज़र रखद्या होया गल की जाए कि यह किताब तस्करा है या तारीख के जवाब साफ साफ वाजिया है कि यह लिखारियों का तस्करा है। क्यों जे अदब की तारीख का वेरवा बिल्कुल मुख्तसर है जबकि लिखारियों के तस्करे की जखामत वध है। किताब के कुल सफात विच जुबान ते अदब की तारीख ते लिखारियों दे तस्करे की वंड कुछ इस तरह है। पंजाबी जुबानों अदब की तारीख लिखारियों का तस्करा सफ़ा नंबर 1 तो लैके सफ़ा 186 तक सफ़ा 187 तो लैके सफ़ा 640 तक इंज इस किताब का जुबान दे अदब की तारीख तो 2.5 गुना ज़्यादा हिस्सा लिखारियों के तस्करे लिए मुख्तस किया गया है। तो तस्करे 647 लिखारियों मुतारफ करवाया गया है। पर किताब का पहला हिस्सा जिदे विच जुबान ते अदब की तारीख बयान की गई है मुख्तसर होने के बावजूद भी जामियत दियां खूबियां नाल माला माल है। इस हिस्से दे सिर्फ 186 सफ़ियां विच देश पंजाब दे मुख्तलिफ ना गैर मुल्की हमला आवरां दा जिक्र पंजाबी जुबान दे ना संस्कृत पाली पसाची प्राकृत शौरसिनी ते अभरनश वर्गियां जुबाना दे इश्तराकात पंजाबी दे मुख्तलिफ लहजियां दा लसानी वेरवा पंजाबी दे लोग गीत ते शायरां दियां मुख्तलिफ किस्मां शेरां दियां खूबियां भगती लहर पंजाब दियां सियासी समाजी तहरीकां पंजाबी अदब दे अदौर दी वखो वख वंड पंजाबी किस्साकारी पाकिस्तानी दौर दे अदब दा जायजा ते आखिर विच पंजाबी अदब विच तहकीक व तनकीद दा वेरवा पेश किया गया है।
किताब का तनकीदी जायजा। पंजाबी अदब की कहानी के पेश लफज़ विच इकबाल सलाहुद्दीन होरा ने लिखा है कि यह किताब अज तक छपन वाले अदबी तस्करा विचों सब नालों चंगी किताब है, जिदे विच परख ते परचोल दे मयार नूं मद्देनज़र रख्या गया है। ते मजीद ये कि पंजाबी अदब की कहानी तो खुद कुरैशी हुरां दे जिगरे ते दिमाग दियां कुवतां दा इजहार पिया हुंदा है। पंजाबी अदब की कहानी दियां कुछ खास गल्लां दा वेरवा दर्जा जैल है। तस्करा या तारीख। पंजाबी अदब की कहानी 646 सफात ते किताब है। इहदे पहले 186 सफ़ियां उत्ते पंजाबी जुबान, लोक अदब, पंजाबी शायरी, पंजाबी दियां मुख्तलिफ तहरीकां, पंजाबी अजाफ, पंजाबी किस्साकारी ते परख परचोल दे हवाले नाल होण वाले कम दा मुख्तसर जायजा पेश कीता गया है। सफ़ा 187 तो लै के आखिर तीकर 347 पंजाबी शायरां दा तस्करा है। लिहाजा जखामत दे इतबार नाल वेखिए तो यह किताब तारीख नहीं बल्कि तस्करा ही है, क्यों जे 660 सफ़ियां उत्ते 347 शायरां दा जिक्र बिल्कुल मुख्तसर है ते नमूना कलाम भी दिता गया है। इंज आख्या जा सकता है कि यह किताब पूरे शायरी अदब दे तारीख नहीं बल्कि चुनवियां शायरां दा एक तस्करा है। तहकीकी ते तनकीदी अंदाज। अब्दुल गफूर कुरैशी इस किताब नू पहला पंजाबी जबानों अदब ते तारीख लिख चुके सन, लिहाजा उन्होंने पहली किताब के तजर्बे नू मुख रख के दूजी यानी हथली किताब विच कई घाटे ता लोड़ा थोड़ा नू दूर किया। उन्हां इस किताब विच तहकीकी ते तनकीदी अंदाज अख्तियार किया है। हर थां फुटनोट विच हवाले दिते ने ते शायरां बारे जानकारी नू तहकीकी ते तनकीदी असूलां उत्ते परख के किताब विच दर्ज किया है। भुल चुक। खाक दा पुतला इंसान भुलन हारे कोई भी खोज परख ते काम हतमी नहीं हुंदा। हर काम विच भुल चुक ते कमियां दा रह जाना फितरी अमल है। इस किताब विच भी कमियां ते गलतियां दिखाली देंदियां ने, पर इहदे बावजूद कई नवियां गल्लां ते जहतां सामने भी आंदियां ने जो असल विच काम नूं अगां टोरन वल पड़दियां ने। लिहाजा तहकीक ते तनकीद दा मैदान हर एक लई खुला है ते काम नूं बेहतर तों बेहतर बनाउण दे आहर विच लगे रहना चाहीदा है। जुबान ते बयान। लिखारियां ने इस तस्करे विच जुबान ते बयान उत्ते खास तवज्जा दित्ती है। अंदाज बयान साधा आम फहम ते रवां है। हल्की फुल्की ते सौखी अनुसार विच गल कीती है। गल बेशक मुख्तसर है पर भरवीं ते जामिया है, पढ़न वाले नूं काफ़ी हद तीकर पल्ले पै जांदी है। जुबान दी आम पंजाबी वरती है। लहजे ते रस्मो खत दा ख्याल रख्या गया है, यानी इमला दे हवाले नाल नवी तजर्बे नहीं किते गए सगों मरवजा पंजाबी इमला नूं ही वरत्या है। किताब दी सलाहना। बिलाशुबा अब्दुल गफूर कुरैशी हुरां दी ए कोशिश सलाहन जोगी है। मुख्तलिफ नकादा ने इस किताब बारे अपने विचारां दा इजहार किया है, जो दर्जा जैल है। बकौल डॉक्टर असमतुल्ला जाहद कुरैशी साहब दी इस किताब दा मजमुआ तौर ते जायजा लिया ते पंजाबी अदब दे हवाले नाल ए एक भरपूर कोशिश दिखाली देंदी है, जिदे विच कुछ भलां होण दे बावजूद पंजाबी जुबान ते अदब बारे कई नवियां पहलू सामने आंदे ने। बकौल इकबाल सलाहुद्दीन, पंजाबी अदब की कहानी ये किताब आदि तीक छपन वालिया साहतां तस्करां विचों सब थां चंगी किताब है। मुकदी गल। अब्दुल गफूर कुरैशी हुरां
ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਬਿਲਾ ਸ਼ੁਬਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਰੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਆਹਰ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਅਦਬ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਜ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤੇ ਅਦਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਇਕਦਾਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਉਦਮ ਅਤੇ ਆਹਰ ਬਾਰੇ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਭਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂਰ ਮਿਨਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਨੇ ਕਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਹੈ ਤੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੁਝੇ ਬਤਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਨੇ ਕਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੋ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਅੱਛਾ ਲਗੇ ਤੋ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਐਸੀ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਵੀ ਆਪਕੋ ਚਾਹੀਏ ਤੋ ਫਿਰ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ